साउथ मुंबई की जब बात चलती है तब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों तक ऐसा चल रहा था कि बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी लेकिन वो सीट भी जो है वो कल डिक्लेयर हुई कि वो शिवसेना के पास जा रही है साथ ही नॉर्थ वेस्ट की सीट भी शिवसेना के पास गई और ठाणे जहाँ पर बीजेपी का भी एक गढ़ माना जाता है ठाणे ऐसे में ठाणे क्यों छोड़ दी देखिए अब तीनों सीटें हमको चाहिए थी इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे कार्यकर्ता का प्रेशर भी था लेकिन सालों से ये तीनों सीटें शिवसेना के पास रही है सालों से देखिए थाने ओरिजिनल हमारी सीट है रामभाव कापसे रामभाव माड़गी की सीट है लेकिन पिछले छः सात आठ चुनाव से उनके पास है ऐसे ही उत्तर मुंबई सीट जब से बनी उत्तर उत्तर पश्चिम मुंबई जब से बनी उनके पास है दक्षिण मुंबई ये जयंती बेन के बाद उनके पास गई तो अब उन्हीं के पास है तो ये सारी चीजों के चलते एक रैशनल विचार हुआ कि भाई उनकी सीटें हम उनको लड़ने को दे और हमने उसको दे दी लेकिन शुरुआत में आप ही पर ही आरोप किया जाता था कि भाजपा जो है अपनी सीटें नहीं दे रहा है इसलिए शिंदे जो है अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और अभी हम जो देख रहे हैं टर्नआउट जो आया है उसमें शिंदे जो है वो सोलह सीटों पर ऑलमोस्ट लड़ रहे हैं हाँ मतलब एक हाथ दूसरी कम ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम सीटें हमने जो बनती है वो सारी सीटें दी हैं उनको